क्वेश्चन 26 रेडिएशन टॉपिक से है और कह रहा है पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी, मतलब यहाँ पे एमिसिविटी इसकी 1 होगी स्पी, और उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है लैम्डा नॉट। फिर कहता है तो जो भी टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का, इसको अपन ने चेंज कर दिया है ताकि जो इसके पास वेवलेंथ हो वो इतनी बन जाए, ठीक है। तो पावर रेडिएटेड जो है वो नया वाला ये बन रहा है, तो अपने को एन का टर्म बताना है। पहले ये समझ लो कि कोई भी एक बॉडी है, कुछ हीट की वजह से क्या करेगा, ये रेडिएट करना शुरू करता है कुछ टेम्परेचर के पास एब्सोल्यूट होता है। तो फॉर्मूला अपने पास सामने लिखा हो, पी इज इक्वल्स टू लिखते हैं बच्चों, एप्सिलॉन होता है, ए होता है, सिग्मा होता है, टी टू पार फोर होता है। ये टर्म तो 1 होती है क्योंकि ब्लैक बॉडी पहले ही मैंशनड है, ठीक है, टी टू पार फोर लिखा है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि जो पावर है वो प्रपोर्शनल टू टी रेस टू दी पावर 4 है। ये बेसिकली स्टीफन्स लॉ में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे वेन्स लॉ के बारे में पूछूं थोड़ा सा आपसे, तो क्या हो जाता है, लैम्डा जो मैक्सिमम होता है वो इन्वर्स में होता है बच्चों टेम्परेचर के, या उल्टा भी लिख देता हूँ मैं, टेम्परेचर इज प्रपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम। तो डायरेक्ट बन जाएगा ये, पावर इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि यहाँ टी टू पावर 4 है तो इसके सर पे भी आएगा एक 4 का पावर और यहाँ हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। और अपन इसके साथ साथ आंसर की लाइन लिख देते हैं, ये हो जाएगा पी टू बाय पी वन, ठीक है, वो हो जाएगा बच्चों लैम्डा ऑफ 1 बाय लैम्डा ऑफ 2 उसकी होल टू द पावर, ठीक है। लैम्डा 1 है अपने पास लैम्डा नॉट, और लैम्डा 2 है, यहाँ देखो क्वेश्चन में लिखा है, ये है 3/4 ऑफ लैम्डा नॉट इसका पूरे का पावर, ठीक है, कैंसिल कर लिया। सेकेंड टाइम पावर आ रही है एन टाइम ऑफ पी, पुरानी पावर थी पी, ये हो जाएगा 4/3 का होल क्यूब, होल टू द पावर 4, हटा दो इसको, तो यहाँ से एन मिल रहा है अपन को, 4/4 होता है 256 डिवाइड बाय 81, यही अपना आंसर है, 256/81, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आ रहा है। दो फॉर्मूले इस्तेमाल किए हमने यहाँ पे, एक तो पावर का, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम भी होता है ये, और एक किया अपन ने मैक्सिमम वेवलेंथ का, जो कि वीन्स लॉ स्टीफन्स लॉ कंबाइंड करके रेडिएशन टॉपिक से आ गया क्वेश्चन ये, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।